नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi 11i Hypercharge वर्सेस Moto G82 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 11i Hypercharge में 6.44 इंच जबकि G82 5G में 6.33 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 11i Hypercharge से कम है। विड्थ की बात करें तो 11i Hypercharge में 3 इंच जबकि G82 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 11i Hypercharge से कम है। बात करें थिकनेस की तो 11i Hypercharge में 0.33 इंच जबकि G82 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 11i Hypercharge में 204 ग्राम जबकि G82 5G में 173 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 11i Hypercharge में AMOLED जबकि G82 5G में की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 11i Hypercharge में 6.67 इंचेस जबकि G82 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 11i Hypercharge में 86.27% जबकि G82 5G में 87.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 11i Hypercharge में 395 पिक्सल प्रति इंच जबकि G82 5G में 399 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 11i Hypercharge में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और G82 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 11i Hypercharge में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और G82 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 11i Hypercharge में Mali G68 MC4 जबकि G82 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 11i Hypercharge में MediaTek Dimensity 920MT 6877T और G82 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 11i Hypercharge में Android V11 जबकि G82 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी 11i Hypercharge में 4500 mAh जबकि G82 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 11i Hypercharge में 4 कलर्स जबकि G82 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 11i Hypercharge में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें G82 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi 11i हाइपरचार्ज में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto G82 5G की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 11i हाइपरचार्ज आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S21 5G है, दूसरा OnePlus 8T 5G है, तीसरा Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S20 FE है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।